Good morning, everyone. Myself, Dr. Vineet Sehgal, consultant neurophysician, Amandi Medicity. आज अपना जरा discussion topic होएगा वो होएगा Parkinson disease. So सब तो पहला question जरा आना सी frequently आज questions लगाएंगे जरे लोग की पूछ दे ऐसा नहीं Parkinson disease के बारे. So सब तो पहला question है what is Parkinson disease? Parkinson disease है क्या है? So it's a chronic progressive neurodegenerative disorder which is characterized by both motor and non-motor symptoms. मतलब पंजाबी दे विच एक हौली हौली वधन वाली डीजनेटिव डिसऑर्डर है जिहदे विच दिमाग दे सैल या न्यूरॉन्स हौली हौली घटी जांदे आ मरी जांदे आ मतलब पतन होई जांदा है जिस दे कारण मरीज नूं मोटर सिम्पटम्स यानी कि चलन दी मुश्किल या हाथ पैर कंबदे है या नॉन मोटर सिम्पटम्स जिवें नींद दी मुश्किल शुरू हो जांदी है उदासियां शुरू हो जांदी सो ए पार्किंसन डिजीज है सो दूजा क्वेश्चन है लोग पुछदे है कि इस दे बारे लॉट्स ऑफ जाग जागरूकता लेनी जुड़ी क्यों है बिकॉज पार्किंसन डिजीज सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजनेटिव डिसऑर्डर आफ्टर अल्जाइमर डिजीज सो एक तो यह कारण सो इट्स वेरी कॉमन एक्चुअली सो दूजा कारण यह है कि एक एहोजी न्यूरोडिजनेटिव डिसऑर्डर है जिसका साढ़े को इलाज संभव है और जिसका प्रॉपर इलाज अवेलेबल हैगा बहुत मेडिकल एज वेल सर्जिकल थेरेपीज अवेलेबल है इसलिए इनू इस दे बारे जागरूकता रखना बहुत जरूरी है ताकि असीं इहनूं इहदे लक्षणां नूं पहचानीए और इहदा इलाज कर सकीए तीजा क्वेश्चन आंदा है जो लोकी अक्सर ही पुछदे हैगे कि किस एज ग्रुप नूं ज्यादा पार्किंसन डिजीज होंदी है देखो एवरेज एज ग्रुप जिन्हां लोकां नूं पार्किंसन होंदी है उहनां दी उम्र होंदी है 60 साल या 60 साल तों ज्यादा अबाउट यूएस दे विच 60 साल दी उम्र दे अराउंड 1% लोकां नूं पार्किंसन डिजीज होंदी कुछ लोकां नूं कुछ परसेंटेज लोकां नूं 60 साल की उम्र तो पहले भी बीमारी स्टार्ट हो जाती है जे बीमारी अराउंड 50 साल तो पहले स्टार्ट हो जाए तो उन्होंने बोलते हैं यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज कई बार बच्चों में भी बीमारी स्टार्ट हो जाती है जिन्होंने बोलते हैं जुवेनाइल पार्किंसनिज्म मोस्टली ये जेनेटिक इन्हों के जेनेटिक कॉजेस होंगे और ये परसेंटेज बहुत घट है सो दैन नैक्सट क्वेश्चन आता है डॉक्टर साहब कि हाउ विल यू डायग्नोस द केस ऑफ पार्किंसन डिजीज तुम कैसे डायग्नोस करते हो कि इन्हें पार्किंसन डिजीज हैगी है या नहीं है सो डायग्नोस इज बेस्ड mainly on the basis of history and clinical examination matlab patient di history te examination te diagnosis ho janda hai tanu koi ct scan mri ya hor koi investigation karan di lod nahi pandi ha kai var assi lokan nu mri zarur karwane hai taki koi hor koi dooji cheez jo differential diagnosis hai ga to rule out kar sakda kai var sanu jadon pehle bimari navi start hundi hai te pure lakshan nahi hunde te pura clear nahi hunda so ajj kal dopamine transporter scans pet scan pet scans aa gaye hai oh vi sanu kai var दूजा पासा कमजोर होना शुरू हो जाता है या स्टार्ट होता है मरीज हाथ कंबने या हाथ कंबन तो पहले नाल नाल स्लो हो जाता है सो ये तीन फेस बेसिकली सिम्पटम्स असं तीन लक्षणों तीन तरीके बने जा सकता है सो वन इज प्री मोटर सिम्पटम्स मतलब क्योंकि मोटर सिम्पटम्स बड़ी जल्दी डायग्नोस डिगोनाइज कर लेने हैं सो वट आर द प्री मोटर सिम्पटम्स होंगे ये बीमारी आने तो पहले बंदे को कब्जी रहनी शुरू हो जाती है कई डिप्रैशन होना शुरू हो जाता है कई आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर मतलब रात को बड़बड़ाते हैं लोग और रात को अपने ड्रीम्स फाइट भी करते हैं वैन दे फाइट देयर ड्रीम्स वो कई बार वायलेंट एक्ट भी कर दे सो उस तो बाद आता मोटर सिम्पटम्स सो केरे मेन मोटर सिम्पटम्स है उन्होंने जो जो चार मेन मोटर सिम्पटम्स सब तो पहले आता ट्रैमरस जेरे पार्किंसन से ट्रैमरस है दे आर टिपिकली रेस्टिंग ट्रैमरस मतलब मरीज बैठा होएगा या खड़ा होएगा और हाथ कंबन सो दोनों तरह का हो सकता है पिन रोलिंग मूवमेंट भी हो सकती है या जिम्मे डमरू बजाना प्रोनेशन सुप्रेशन है मूवमेंट सो ये ट्रैमरस दूजा है पार्किंसन का जो सिम्पटम है उन्होंने बोलते हैं ब्रेडीकिनेसिया ब्रेडीकिनेसिया मतलब स्लोनेस मरीज को हर काम करने में स्लोनेस हो जाती है स्लोनेस का मतलब मरीज को चलने में स्लो हो जाता है मरीज कपड़े पहनने में डेली रूटीन एक्टिविटीज जो मरीज की होती है सब स्लो हो जाती है उन्होंने करवट बदलने में मुश्किल आती है ब्रश करने नहाने धोने बोलने ईवन सोचने भी बंदा स्लो हो जाता है सो इन ब्रेडीकिनेसिया बोलते हैं तीजी है रिजिडिटी रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस मतलब शरीर स्टिफ हो जाता है और स्टिफनेस पेशेंट
चौथा सिम्पटम होता पोस्टल इंस्टेबिलिटी। पोस्टल इंस्टेबिलिटी नॉर्मल इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज दे विच यूजली लेट आती है, अबाउट आफ्टर 5 to 10 years आती है कि पेशेंट का बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है। सो आज आ सकते इस तो अलावा जो मोटर सिम्पटम्स और पाए गए हैं, पेशेंट का स्पेशल गेट होता है, जरा गेट है वो गेट पेशेंट का बहुत शॉर्ट स्टेपेज गेट हो जाता है। शॉर्ट स्टेपेज गेट मतलब बेबी स्टेप्स पेशेंट लगता है, और जो चलते चलते अगे चुक जाता है, मुड़न की मुश्किल आती है। सो उसके नाल नाल फेस एक्सप्रेशनलैस फेस हो जाता है, ब्लिंक रेट घट जाता है पेशेंट। सो ये सारे के सारे जिहड़े सीगे मोटर सिम्पटम्स, पेशेंट के होर बड़े नॉन मोटर सिम्पटम्स आते हैं। और नॉन मोटर सिम्पटम्स के असीं सब तो पहले पेशेंट नूं मूड डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, डिप्रैशन दे डिप्रैशन आ सकता, उदासी आ सकती है, एनजाइटी अटैक आ सकते हैं, पेशेंट के एनजाइटी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। नॉन मोटर सिम्पटम्स के फिर पेशेंट ज्यादा इसकी कमजोरी आ सकती हैगी है, एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो सकती हैगी है। तीजा स्लीप डिसऑर्डर, या तो ब्रीफ नींद आनी बंद हो जाती है, या ज्यादा एक्सैसिव डे टाइम स्लीपिंगनेस होती है। चौथा उस तो अलावा पेशेंट दे नाल आरईएम बिहेवियर डिसऑर्डर जो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका है। दैन पेशेंट नूं ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाती है, पेट की बीमारियां जिम्मे कॉन्स्टिपेशन कब्जी रहनी स्टार्ट हो जाती है, कई टटियां उल्टियां लग जाए, नोजिया बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, कई यूरिनरी अर्जेंसी होंगी, अर्ज इनकॉन्टीन्यूअस हो जाती है, तेजी में बाथरूम आता है, बाथरूम में निकल भी जाता है, कई सैक्सुअल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। दैन कई लोगों को सेंसरी सिम्पटम्स भी होंगे है, सेंसरी पैरासीजस कीड़ियाँ चलती हैं, पेन होंगे, एनोजमिया स्मैल चल जाती है। इनफैक्ट एनोजमिया कई बार मोटर सिम्पटम्स प्रीसीड करता है। सो ये बेसिकली तीन तरह के सिम्पटम्स, मोटर प्री मोटर सिम्पटम्स, मोटर सिम्पटम्स एंड तीजा सेंसरी सिम्पटम्स। सो उस तो बाद आता है डॉक्टर साहब, ये जो इन सिम्पटम्स दस है ये होंगे क्यों है, ये मतलब इन्हों का कारण की है, क्योंकि दिमाग के एक सैल होंगे जिन्हों बोलते हैं अपने डोपामिनर्जिक न्यूरल्स, वो जो सैल्स होंगे वो उन्हों की घाट हो जाती है, जिसके कारण शरीर के डोपामिन नामक कैमिकल घट जाता है। हूँ डोपामिन की अगला क्वेश्चन आता है, डोपामिन नामक कैमिकल किस एरिया तो घटना स्टार्ट होता है, सबसेंशिया नाइग्रेज घटना स्टार्ट होता है। फिर नैक्सट क्वेश्चन है कि ये डीजनरेशन होंगी क्यों है। हूँ ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के जी डीजनरेशन जी होंगी हैगी है, ये स्पोरेडिक डीजनरेशन होंगी है, मतलब सानू अज तक कोई कारण क्लीयर कट पता नहीं चलिया। सो मल्टीपल रीजन पोस्टुलेट किए गए हैं, अराउंड 5 to 10% जेनेटिक रीजनस होंगे, मतलब जीन्स ही उन्होंने कुछ कराइज खराब होंगी है, जिसके कारण उन्होंने पार्किंसन डिजीज होंगी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट स्पोरेडिक पार्किंसन डिजीज होंगे 80 to 90% और उन्होंने देर इज अ कंपलैक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एंड ऐसे कुछ जीन्स होंगे मतलब जिन्हों के कारण उन्होंने जे वह जो कुछ पेशेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो चीज़ों का उन्होंने पार्किंसन डिजीज हो जाती है। हूँ की एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स है या जी लिंक है पार्किंसन डिजीज ना, या जी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ने लिंक की है, सब तो पहले एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, जिन्ना कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर है और चांस ज्यादा पार्किंसन डिजीज होने, एक्सपोजर टू हैवी मैटल्स मैंगनीज कोपर मरकरी। तीजा जे पेशेंट रूरल एरिया रहते हैं, स्पेशली जो वैल वाटर पीते कुएं का पानी पीते उन्होंने ज्यादा पार्किंसन डिजीज होती है, कार्बन मोनोक्साइड का एक्सपोजर, जो बॉक्सर्स हैड इंजरी, इन्हें ज्यादा चांस होंगे पार्किंसन डिजीज होने। सो ये बड़े फैक्टर्स है, बट ये जो सारे सारे फैक्टर्स है क्लीयर कट स्पोरैडिक केसेस में ये नहीं कह सकता ये कारण है, सो देयर इज अ कंपलेक्स इंट्रैक्शन। अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब ये जो सारे जो लक्षण दसे है पार्किंसन डिजीज से अपने, ये होर किसी बीमारी भी हो सकते हैं, जिमें किसी होर बीमारी भी बंदा स्लो हो सकता है या ट्रैमरस आ सकते हैं या रिजिड हो सकता है, यस। सो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इन्हें डिफरेंशिएट करने अभी बोलते हैं पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म तो पार्किंसन डिजीज में फर्क है, पार्किंसोनिज्म इज ए अम्ब्रेला टर्म, पार्किंसन इज अ ब्रॉड टर्म, एंड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पार्किंसोनिज्म इज पार्किंसन डिजीज, अदर कॉजेज आर जिम्मे एटिपिकल पार्किंसोनिज्म जिन्हों बोलते हैं अभी पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स, दैन देयर आर सेकेंडरी कॉजेज ऑफ पार्किंसोनिज्म फॉलिंग एनकेफेलाइटिस फॉलिंग स्ट्रोक। सो ये अलग अलग कॉजेज है, हूँ ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है पार्किंसोनिज्म कॉजेज नूं अलग अलग, हाँ बहुत जरूरी है कि असीं डिफरेंशिएट करिए कि इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है या एटिपिकल पार्किंसोनिज्म है या होर कोई अदर कॉजेज ऑफ पार्किंसोनिज्म है, वो किवें डिफरेंशिएट करांगे उस दसांगे। पर डिफरेंशिएट करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो एटिपिकल पार्किंसोनिज्म है वह दवाइयों नाल रिस्पोंड नहीं करते, उन्होंने पेशेंट का पोअर प्रोग्नोसिस होता है, उन्होंने पेशेंट का लाइफ स्पैन छोटा होता है,
जबकि पार्किंसन डिजीज का पूरा इलाज पॉसिबल है। हूँ है कि जरा अम्ब्रेला टर्म पार्किंसन कदों असं बोल लें जो तो पेशेंट ट्रैम ब्रैडीकिनेसिया के नाल या ट्रैमर हो या रिजिड। सो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, कदों असं कहे कि यह इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज नहीं है, ये पेशेंट दूजा तरह का पार्किंसोनिज्म है जिन्हें एटिपिकल बोलते हैं। और जो सब तो पहले जो मरीज का बैलेंस पहले पहले खराब होना शुरू हो जाए, अर्ली फॉल्स होने स्टार्ट हो जाए, सो अर्ली बैलेंस प्रॉब्लम्स। दूजा पेशेंट आई एबनॉर्मैलिटी स्टार्ट हो जाए जिन बोलते हैं स्पेशली डाउनगेज एबनॉर्मैलिटी स्टार्ट हो जाए। तीजा जो पेशेंट को एक्सटेंसिव डिसऑटोनोमिक फीचर्स हो, मतलब बैठ के उठता है अखा के नेरा आ जाता है डिग जाता है जल्दी बेहोश हो जाता है, बीपी पोस्टर फॉलिंग ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाए, या सैक्सुअल डिस्टर्बेंसिस या यूरिनरी डिस्टर्बेंसिस स्टार्ट हो जाए पहले, या कई लोगों को बैलेंस बनाने की मुश्किल आए जब जिम्मे सेरिबेलर सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए, या कई लोगों को डिस्टोनिक पोस्टिंग एक साइड की कली डिस्टोनिक पोस्टिंग स्टार्ट हो जाए, हाथ एंड पता करना शुरू एक हाथ स्टिफ हो जाए वो हाथ में यूज ना कर सके। सो या अर्ली डिमेंशिया या अर्ली हेलुसिनेशन, या कई बार जो पार्किंसोनिज्म सिमेट्रिकल हो दोनों साइड में इकट्ठा इनवॉल्व करता हो उदो हमेशा सोचो कि यह नॉर्मल पार्किंसन डिजीज नहीं है, यह दूसरे तरह का पार्किंसोनिज्म है, या कई बार जो बंदा हेलुसिनेशन अर्ली हेलुसिनेशन स्टार्ट हो। सो दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स, जो किसी पार्किंसन डिजीज के मरीज ये चीजें है तो हमेशा दिमाग से सोचो कि मतलब इन नॉर्मल पार्किंसन डिजीज नहीं है, इन दूजा सैकेंडरी कुछ पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन प्लस सिंड्रोम हो सकता है। सो उस बार अभी आने कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट की अवेलेबल है, देखो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम कर दी है और साढ़े को बहुत ज्यादा तरह की मेडिसिन है। हूँ डिपेंडिंग ऑन पेशेंट प्रोफाइल, पेशेंट की उम्र कितनी हैगी है, पेशेंट का कोमोरबिडिटी कोई हैगी है नहीं हैगी, पेशेंट की ओकूपेशन की हैगी है, पेशेंट को कितनी ज्यादा मुश्किल आ रही है सिमटम्स है, अभी उसकी दवाई सिलेक्ट करते हैं और उस दवाई सिलेक्ट करने के बाद उसमें बार बार पेशेंट को मोनीटर करते हैं, तो जो लड़ पे तो होर दवाइया ऐड करते हैं। हूँ नॉर्मली की होंगे कि पार्किंसन डिजीज दवाइया पेशेंट को 5 to 10 साल बहुत अच्छा आराम रहता है जिन्होंने अभी बोलते हैं हनीमून पीरियड, 5 to 10 साल बाद पेशेंट को दवाइया का असर आना खत्म हो जाता है या दवाइया के कंप्लीकेशन स्टार्ट होने इशू हो जाती है, जिम्मे डिस्कनेजिया स्टार्ट हो जाता है, डिस्कनेजिया मतलब फालतू का डांस करना थोड़ा हिलना शुरू हो जाना, या ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन कुछ देर लिए दवाइया का असर रहा है, कुछ देर लिए दवाइया का असर, कुछ पीरियड दवाइया का असर रहा है, कुछ पीरियड दवाइया का असर नहीं रहा, यह ऑन ऑफ पीरियड होता है। सो यह 5 to 10 साल बाद लोगों को आ ही जाता है, इट इज ये किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, हर मरीज को 5 to 10 साल बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। सो जो यह दिक्कत आती है उस टाइम पर असं या तो दवाइया थोड़ा चेंज करते हैं या अभी दवाई में मोडीफाई करते हैं या कोई होर दवाइया नाल पाने हैं। जे पेशेंट को मोडीफिकेशन करने बावजूद भी दो दवाइया पाने के बावजूद भी दिक्कत आए या और पार्किंसन सिम्टम्स पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो रहे दवाइया के नाल, तो फिर असं पेशेंट को सर्जरी या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफर करते हैं, फिर भी असं यूज करते हैं। ये उन्होंने पेशेंट वास्ते रिजर्व है जिन्होंने दवाइया कंप्लीकेशन आ रही है या जिन्होंने सिम्टम्स पूरे कंट्रोल नहीं हो। सो अपना नैक्सट अगला जो क्वेश्चन है कि डाइट का की रोल है, डाइट एक्सरसाइज का बड़ा अच्छा रोल है पार्किंसन डिजीज के, हर पेशेंट पार्किंसन डिजीज को सब मोटिवेट करना चाहिए कि तुम एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करो, साइकिलिंग करो, जिस तरह की एक्सरसाइज कर सकते करो। डाइट के जिन्हें फूड ज्यादा खाओ, बीनस ज्यादा खाओ, लेग्यूम्स ज्यादा लवो, नट्स ज्यादा लवो, ये सारे फायदेमंद है। डाइट बारे स्पेशली समझावगा क्योंकि पार्किंसन डिजीज की कुछ दवाइया है दी अब्जॉर्प्शन प्रोटीन डाइट के कारण खराब हो जाती है, इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जी जी मेन गोली होंगी जिम्मे सिंडोपा प्लस या लिवडोपा कार्बडोपा कंबीनेशन बोलते हैं, वो हमेशा रोटी तो अद्धा घंटा पहले या रोटी तो घंटा बाद लो और प्रोटीन्स के नाल ना लवो, क्योंकि जो प्रोटीन्स के नाल लवेंगे तो दे विल इट विल रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिसिन, प्रोटीन विल रिड्यूस अब्जॉर्प्शन, प्रोटीन विल कंपीट विद द मेडिसिन। सो इसी डाइट बारे इन्होंने क्वेश्चन। सो अज जो थानू मैं दस्या सारा नॉर्मल पार्किंसन डिजीज बारे दस्या, विच इज फेयरली कॉमन बीमारी ओल्ड एज लोगों के, सैकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर है। और अज क्यों ये, क्योंकि ये दिन ही वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी बारे जागरूक किया। शुक्रिया, धन्यवाद।